राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा नेता सतीश पूनिया द्वारा चुनावी सभाओं में बटेंगे तो कटेंगे नारे के उपयोग पर कड़ा विरोध जताया है। जूली ने इसे घृणा और भय का वातावरण पैदा करने वाला बयान बताते हुए चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बटेंगे तो कटेंगे के घृणास्पद नारे का चुनावी सभाओं में प्रयोग करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए मांग की है कि प्रदेश में घृणा और भय उत्पन्न करने के कथन पर चुनाव आयोग संज्ञान ले, भाजपा और सतीश पूनिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जूली ने भाजपा नेताओं को चेताया है कि वे समाज में जहर घोलने का काम न करें। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आगे कहा कि देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की चुनावी सभा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बटेंगे तो कटेंगे शब्द का इस्तेमाल कर चुनाव में घृणा भय और अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश की है। जूली ने कहा कि भाजपा प्रदेश में विधानसभा के 7 उपचुनाव हारने जा रही है, इससे भाजपा विचलित हो गई है और भाजपा नेता प्रदेश में घृणा और भय उत्पन्न करने पर उतर आए हैं। मतदाताओं को भयभीत और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि जनता के बीच घृणा और भय फैलाने वाले ऐसे आपत्तिजनक कथन के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। टोंक जिला प्रशासन को ऐसे भड़काऊ भाषण पर सतीश पूनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जूली ने आगे कहा कि लोकतंत्र में चुनाव विचारधारा के आधार पर और विकास के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। भाजपा सिर्फ घृणा और भय उत्पन्न कर समाज को बांटने की राजनीति करना जानती है। भाजपा के पास विकास का कोई दर्शन नहीं है। जूली ने कहा कि प्रदेश की जनता जागरूक है, वह भाजपा की घृणास्पद राजनीति के झांसे में नहीं आएगी, लेकिन ऐसे घृणास्पद नारे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हैं, इसलिए चुनाव आयोग संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। देखिए आज मतदान है, आज अलवर शहर का जो पोल्यूशन का स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अलवर ही नहीं भिवाड़ी तो पूरे विश्व की जो प्रदूषित सिटियाँ हैं उसके अंदर आ रही है, जिसकी हवा इतनी ख़राब है कि इंसान के फेफड़े बहुत जल्दी ख़राब होने की स्थिति वहाँ पे बन चुकी है। लोगों को सांस के अंदर जहर पीना पड़ रहा है, ये स्थिति इस पूरे इलाके के अंदर हो रही है। विशेष रूप से कहना चाहूँ तो NCR के क्षेत्र के अंदर हो रही है। दिल्ली का तो सब मानते हैं और दिल्ली के अंदर तो काफ़ी प्रयास भी किए गए कि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, लेकिन अलवर और भिवाड़ी ये तो मैं समझता हूँ ऐसे कंजस्टेड शहर नहीं है, और इन पर ध्यान दिया जाए तो यह स्थिति सुधर सकती है। यहाँ 400 के आसपास तक AQI जो है इंडेक्स वो पहुँच चुका है, और इसका मतलब ये होता है कि बहुत ही यानी प्राणों के लिए भी ये जो हवा है बहुत अधिक उनको नुकसान पहुंचा सकती है, प्राणों के लिए ठीक नहीं है, ये स्थिति बन चुकी है। तो मैं कहना चाहूँगा हमारे दोनों मंत्री अलवर के हैं, राज्य के अंदर भी और केंद्र के अंदर भी, इस पे ध्यान दें और जल्द से जल्द कोई इस प्रकार की नीति बनाएं जिससे कि पोल्यूशन कम हो और लोग खुली हवा में सांस ले सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।